नमस्कार मित्रों, NMOPS झारखंड के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहली बार, जी हाँ दोस्तों, पहली बार श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुशीनगर की धरती पर एक चुनावी सभा में पेंशन के मुद्दे पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जल्द ही पेंशन के मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों की लड़ाई मैं खुद ही लड़ रही हूँ। अब NPS कर्मियों को देखना है कि प्रियंका गांधी की ये बातें मात्र एक चुनावी जुमला है या फिर इनकी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन को लागू कर देंगे, क्योंकि अभी तक जिन राज्यों में कांग्रेस एवं इनकी गठबंधन की सरकार है वहाँ पर अभी तक पुरानी पेंशन को लागू नहीं किया गया है। कुशीनगर में प्रियंका गांधी ने पेंशन के मुद्दे पर क्या कहा, आइए देखते हैं। को नौकरी मिले, रोजगार मिले, तो जितने नौजवान को वो रोजगार दे रहा है उतना कम उसका टैक्स होगा। इसी तरह से दुकानदारों और छोटे उद्योगपतियों के लिए कांग्रेस ने तय किया है कि GST सिर्फ मात्र एक टैक्स होगा। ये 10-10 टैक्स नहीं जिनसे आपकी कमर तोड़ी जा रही है, एक टैक्स होगा और उससे आपको बहुत सुविधा होगी। इसी तरह से मेरी बहनों के लिए 33% संसद में आरक्षण होगा, ताकि हमारी महिलाओं की आवाज भी पूरी तरह से संसद में उठे और हमारा प्रतिनिधित्व हो अच्छी तरह से। बच्चों के लिए 12वीं कक्षा तक सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा मुफ्त मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज मुफ्त के मिलेंगे। किसानों के लिए एक अलग बजट बनाया जाएगा, जिसके जरिए हर साल आपको बताया जाएगा कि किसानों के लिए सरकार कितना पैसा खर्चेगी, कौन सी योजनाएं बनाएगी, किस तरह से वो योजनाएं सफल होंगी और क्या क्या करने जा रही है। इससे आपको बहुत सुविधा होगी। इसके साथ साथ किसानों के लिए हर क्षेत्र में एक छोटा फूड पार्क बनाया जाएगा, ताकि आपके उपज का दाम आपको अपने ही क्षेत्र में मिले और आपके क्षेत्र से सीधा आपका उपज देश भर की बाजारों में जुड़ सके। जहां तक पेंशन की बात है और शिक्षा मित्रों की बात है और अनुदेशकों की बात है, आपकी लड़ाई मैं खुद लड़ रही हूँ। घोषणा पत्र में भी हमने लिखवाया है कि आपकी जो समस्याएं हैं उन्हें हम अच्छी तरह समझते हैं और उनको पूरी तरह से सुलझाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ये भी हमारे घोषणा पत्र में लिखा है। जो जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझदार हैं, आप ऑनलाइन जाइए और हमारा घोषणा पत्र पढ़िए। जागरूक होने का मतलब है कि किसी को हल्के में मत छोड़िए। सिर्फ बातें सुनकर अपना मन मत बनाइए, अपना मन योजनाओं को देख के बनाइए, घोषणाओं को देख के बनाइए। डिलीवरी क्या है, पिछली बार जो कहा था वो किया कि नहीं, उस पर बनाइए। तो अब एक बहुत बड़ा चुनाव है हमारे सामने, सिर्फ आपके क्षेत्र और देश की बात नहीं है, ये आपके भविष्य की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, ये इस लोकतंत्र की बात है। जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र की संस्थाएं कमजोर